शहर के पहासू में तेज रफ्तार कार ने मासूम को टक्कर मार दी। यहां पर मासूम बच्ची की मौके पर ही मौत हो गई है। एक्सीडेंट की घटना का लाइव सीसीटीवी फुटेज अब सामने आया है। पुलिस फिलहाल अब इस पूरे मामले की जांच कर रही है। और तस्वीरें देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर एक कार, तेज रफ्तार कार जिसने एक बच्ची को रौंदा और रौंदते हुए वहां से ये कार निकल जाती और बच्ची की मौत उसी समय हो जाती है। देखिए यहाँ पर एक रास्ते में बच्ची, जहां पर उस बच्ची को रौंदती ये कार जो है वो दिख रही है। और देखिए किस तरीके से यहाँ पर कार इस बच्ची को रौंदते हुए आगे निकल जाती है। मासूम बच्ची की मौके पर ही मौत हो गई है। यह हादसे की तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई हैं और घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया, जहाँ पर देखिए सड़क के पास एक बच्ची खड़ी और उस बच्ची को रौंदती ये कार आगे निकल जाती है और इसी की वजह से बच्ची की मौत हो जाती है। लालगिरे के पास देखिए, वो हम आपको कार दिखा रहे हैं जहां पर देखिए एक मासूम बच्ची जो वहां पर सड़क के पास खड़ी थी और उसके ऊपर से गुजरती कार कैमरे में कैद हुई है। मनोज हमारे सहयोगी जुड़ेंगे इस पर, लेकिन उससे पहले ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से यहां पर जो कार है वो यहां पर बच्ची को रौंदती निकलती चली जाती और ये कैमरे में कैद हो गई है तस्वीरें। हालांकि पुलिस अब जो है इस फुटेज के आधार पर आगे की कार्रवाई जरूर करेगी, लेकिन एक मासूम की जान चली गई है। तेज रफ्तार कार की यहाँ पर गलती की वजह से एक मासूम ने जान गंवा दी है और यहाँ पर देखिए एक बच्ची की मौत हो गई है। मनोज हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं इसी खबर पर। मनोज, यहाँ पर जो तस्वीरें सामने आई हैं, जो कार हमें नजर आ रही है, इस कार के बारे में जानकारी, चालक के बारे में जानकारी अभी तक पुलिस को जुटा पाई है अभी तक? जी, बता दें, मामला बुलंदशहर के थाना पहासू क्षेत्र के अलीपुर का है, जहाँ एक साइड में बच्ची चल रही थी 8 साल की और उस पर कार ने टहरा दिया। ये वीडियो सीसीटीवी में कैद हो गया है, लेकिन जो मौके से ड्राइवर था वो गाड़ी लेकर मौके से फरार हो गया है। अभी तक पुलिस के हाथ पूरी तरह खाली है, पुलिस उस कार की तलाश में जुट गई है, लेकिन अभी तक पुलिस के हाथ नहीं लगी है कार। जी शिवम जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया मनोज, इन तमाम जानकारियों के फिलहाल आपका।